बीते दो महीने से कश्मीर में सुरक्षा के मद्देनजर पर्यटन बंद था, लेकिन जब से कश्मीर से पर्यटकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है, तब से सबको उम्मीद इस बात की है कि पर्यटन के दरवाजे खुलने के साथ साथ जो सुरक्षा के लिहाज से मामूली पाबंदियां हैं, उसे भी सरकार जल्द हटाने का ऐलान कर सकती है। ऐसे में कश्मीर में फिलहाल इस फैसले के बाद कैसा मिजाज है, वहां की जमीनी हालत कैसी है, इसका जायजा भारत तक ने लिया है। देखिए भारत तक संवाददाता को कश्मीर में क्या देखने और सुनने को मिला। खासतौर से कश्मीर वादी में पर्यटकों पर लगाई गई एडवाइजरी को वापस ले लिया है। 4 अगस्त को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने से पहले सरकार की तरफ से पर्यटकों को लेकर यह एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें पर्यटकों को कश्मीर छोड़ने के लिए कहा गया था। लेकिन अब चूंकि हालात सुधर रहे हैं और सरकार ने अब फैसला लिया है कि इस एडवाइजरी को ख़त्म किया जाए और कश्मीर अब एक बार फिर पर्यटकों के लिए खुल गया है। आज से कश्मीर पर्यटक आ सकते हैं, उन्हें होटलों में और सरकार की तरफ से हर तरह की सुविधा मिलेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि क्या जम्मू कश्मीर का एक बार फिर पर्यटक रुख करेंगे, खासतौर से कश्मीर का, क्योंकि कश्मीर पर्यटक के लिए ही जाना जाता है। अभी तक फिलहाल जम्मू कश्मीर में मोबाइल सेवाएं बंद है, लेकिन सरकार का कहना है कि आने वाले एक दो दिन के भीतर पोस्टपेड BSNL मोबाइल सेवाएं भी शुरू की जाएंगी, ताकि पर्यटकों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। सरकार की तरफ से पिछले कई दिनों के दौरान कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं कश्मीर में हालात सामान्य करने के लिए, उसमें पर्यटकों के लिए कश्मीर एक बार फिर खोल देना एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अशरफानी, श्रीनगर।